अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इरफान और आज हम बात करेंगे रोल ऑफ पी शॉट और प्रेपस शॉट इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 80% ऑफ मैन इन देयर मिडिल एज और इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लेट एज सफर फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड दे फेस वेरी डिप्रेसिव स्टेट्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन देयर इरेक्शन लेवल, सो दैट इज़ नोन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक इलनेस, उसमें जो हमारे वेसल्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीपल कैन फेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़, अगर हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई में मुतासर होती है। ये दोनों डायबिटीज़ और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से लोग अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर एज लाइक 40s-50s में फेस करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। अब जो नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, जो कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों, उनमें जो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है, दैट इज़ पी शॉट और प्रेपस शॉट। पी शॉट में बेसिकली व्हाट वी डू, इट इज़ अ टोटली नेचुरल ट्रीटमेंट। इसमें हम आप ही के ब्लड से, जिस तरह से आपने सुना होगा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट, प्रेपस शॉट और पी शॉट इज़ जस्ट लाइक द सेम ट्रीटमेंट, जिसमें हम आप ही के ब्लड के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से ट्रीट करते हैं आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। इसमें कोई भी आपको नुकसान के चांसेस नहीं होते और इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हासिल होते हैं इन केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इफ़ेक्टिव पी शॉट और इफ़ेक्टिव प्रेपस शॉट तभी बनता है जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्रोथ फैक्टर्स हों। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्रोथ फैक्टर्स हमें मिलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लेटलेट से। बेसिकली करता क्या है पी शॉट, आपके जो पेनाइल टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं, जो वेसल्स हैं, वहाँ पर इंक्रीज़ करता है ग्रोथ फैक्टर्स को और उनकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, आपके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपको फील होती है एक इम्प्रूवमेंट इन योर डिसफंक्शन। तो अलखलीज क्लिनिक्स पे, जो कि इस वक्त लीडिंग है पाकिस्तान में अपने प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करने में, जो हमारे हाईटेक मशीनरी है हमारे पास, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमें मिलते हैं, तभी जाके आपका प्रेपस शॉट इफ़ेक्टिव होता है और प्रोडक्टिव होता है। ये एक वॉक इन प्रोसीजर है, विद इन नो टाइम आप इस प्रोसीजर से गुजर के जाते हैं और ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता। हम आपको नमनेस और एनेस्थीसिया देते हैं, जिसके बाद इट इज़ टोटली पेनलेस और सेफ ट्रीटमेंट। पी शॉट और प्रेपस शॉट के रिजल्ट्स या रिकवरी, दे आर प्रॉमिसिंग और एग्जेम्पलरी। पी शॉट और प्रेपस शॉट के बारे में अगर मजीद आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आर नंबर्स ऑफ अलखलीज क्लिनिक्स, और अगर कोई आपको क्यूरीज हों, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन आर इनबॉक्स। थैंक यू।